बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त मसाला। तो जो मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ, इसलिए इसके लिए लिया मैंने 8 ये खाने का चम्मच खुश्क धनिया, 6 चम्मच जीरा, ये 2 चम्मच है मेथी दाना छोटा चम्मच, 1 चम्मच है टाटरी, ये 3 चम्मच है साबुत सुरख मिर्चें, ये 1 चम्मच राई, 1 चम्मच तबाशीर, 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी, ये घर का पिसा हुआ गर्म मसाला 1 चम्मच, ये 1 चम्मच नमक स्याह। अच्छा जी, ये मसाले जो हैं इनको हम खुश्क भून लेते हैं। इनमें खुश्क धनिया इनको भी भूनते हैं, बिस्मिल्लाह, जीरा इसको भी भूनते हैं, सौंफ, सुरख मिर्च, राई, मेथी दाना। अच्छा ये कलवंजी है, इसको भी पीसना है मसालों के साथ ही, लेकिन इसको भूनना नहीं है। अच्छा जी, अब इनको हल्की आंच पे भून लेते हैं। अच्छा ये मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, खुशबू भी काफ़ी तेज़ आ रही है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं फिर पीसते हैं। अच्छा ये मसाला जो है मुकम्मल खुशक हो चुका है, अब इसको मोटा मोटा पीस लेते हैं। ये जिस तरह पीसना था मोटा मोटा, ये अच्छी तरह पीस चुका है। अच्छा जी, अब कलवंजी अंदर शामिल कर ली है, इसको नहीं था भूनना, अब पीस लेते हैं इसके साथ ही। ये पिस चुका है। अब ये जो चीज़ें बची हुई हैं, ये काला नमक, हल्दी, तबाशीर और गरम मसाला टाटरी, इनको अंदर डाल के पीस लेते हैं। टाटरी डालते हैं, तबाशीर, काला नमक, ये देखें जी, ये पाउडर जैसा पीस दिया, ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया, मिक्सी भी अच्छी है। अच्छी तरह अब इनको मिक्स करते हैं। प्यारी बहनों, ये अचार गोश्त मसाला तैयार हो चुका है। ये सब चीज़ें मैंने घर में साफ़ करके रखी होती हैं, गरम मसाले जितने भी हैं सब, हल्दी समेत हर चीज़ साफ़ की होती है। तो इसके ये तसल्ली होती है कि हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने है, हाथों से साफ़ की है, हर तसल्ली बख्श मसाला होता है। इसलिए मैंने घर में बनाया अचार गोश्त मसाला, मेरी बहनों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।